स्मार्ट इंश्योरेंस एडवाइजर ने अपने नाई को बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बेची, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, इंटरनेशनल ट्रेनर ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। आज हम जानेंगे स्मार्ट इंश्योरेंस एडवाइजर किस तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं और जिससे वो खरीदते हैं उसी को बेचते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिससे आप जो भी चीज खरीदते हो उसको बेचने की शुरुआत कीजिए, करियाने वाले को, दूध वाले को, न्यूज़पेपर वाले को, मेडिकल वाले को, डॉक्टर को और नाई को। किस तरह से स्मार्ट लोग स्मार्ट काम करते हैं, अगर आप भी स्मार्ट एडवाइजर की तरह काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को प्यार दीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइएगा और हर रोज एक वीडियो देखते देखते आपका MDRT कैसे हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। एक बार स्मार्ट इंश्योरेंस एडवाइजर अपने नाई के वहां गया था बाल कटवाने के लिए। सुबह सुबह का समय था, आराम से जाके बैठा और आप जानते हैं जहां पर हम बाल कटवाते हैं वहां पर बातचीत होती है, लंबा रिश्ता होता है और बातचीत की शुरुआत परिवार के साथ भी होती है। तो स्मार्ट इंश्योरेंस एडवाइजर ने पूछा कि और कैसा चल रहा है कामकाज, परिवार में कौन कौन है, क्या करते हो, बातचीत की शुरुआत हुई। तो जो बाल काट रहा था उसने पूछा कि साहब मैं अपनी बेटी के शादी की प्लानिंग करना चाहता हूं, मैं उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, उसके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। सो इंश्योरेंस एडवाइजर ने उसको पूछा कि अगर तुम्हें फ्री में यह काम हो जाए तो कैसा लगेगा। अब बट नेचुरल है, जिसको भी फ्री की बात जानने को मिलेगी तो वो खुश होगा। उसने अपनी कैंची और कंघा उधर ही रख लिया और बोले कैसे। उसने बोला भाई तू अपना काम शुरू रख, मैं तुम्हें बताता हूं। तो उसने बोला हाँ लेकिन कैसे। बोले तुम्हारा बजट क्या है। तो बजट की जब बात आई तो नाई ने पूछा साहब तकरीबन 1000-1500 रुपया महीना। और एडवाइजर तो स्मार्ट था, उसने बोला ठीक है ओके। बोले क्या तुम वाकई अपनी बेटी के लिए शादी की प्लानिंग करना चाहते हो। नाई ने बोला हाँ। बोले मुझे नहीं लगता तुम सीरियस हो। वो बोला नहीं मैं सीरियस हूं। बोलिए ना कैसे करना है। बोले नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा। बोले कैसे, मतलब बोलो तो सही कैसे करना है। बोले मैं तुम्हें फ्री में करवा के दूंगा बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि तुम्हारी बेटी की शादी के समय तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे हो। उसने फिर से कंघी हुई और रख दिया अपना सामान। बोले बताओ सर कैसे। बोले काम करो, क्या तुम वाकई अपने परिवार को प्यार करते हो, वाकई अपनी बेटी के लिए प्लानिंग करना चाहते हो। उसने बोला हाँ मैं करना चाहता हूं, बताओ कैसे। उसने बोला जो तुम्हारे पास सबसे पहला ग्राहक आता है बाल कटवाने के लिए, उस पहले ग्राहक के जो तुम बाल काटोगे वो अपने परिवार के लिए काटोगे, परिवार की सुरक्षा के लिए काटोगे। बोले ओके। बोले जब दूसरे क्लाइंट के बाल काटोगे वो अपने बेटी के शादी के लिए काटोगे। बस ये दो क्लाइंट के जो तुम बाल काटोगे वो अपने परिवार के लिए, उसके बाद पूरा दिन बाल काटो अपने लिए, क्या तुम इतना कर सकते हो। तो जो नाई था उसने सोचा, बोले 150 रुपए मतलब 300 रुपए, 301 दिन के मतलब हो गए महीने के 9000 रुपए, 9000 रुपए मतलब सर क्या बात करते हो, ये तो 108000 रुपया हो जाता है। अब स्मार्ट इंश्योरेंस एडवाइजर ने बोला कि ये तुम क्यों गिनते हो, ये तो इंश्योरेंस कंपनी गिनेगी, तुम्हारा क्या है। तुमने तो पहले परिवार के लिए बाल काटे, पहले ग्राहक के, दूसरे ग्राहक के अपनी बेटी के लिए बाल काटे, तुम्हारा क्या लेना देना पैसे से, तुम थोड़ी निकाल रहे हो। अब फिर वो सोचने लगा। फिर स्मार्ट इंश्योरेंस एडवाइजर ने बोला कि छोड़ो तुम्हारा काम नहीं है, तुमसे नहीं होगा, छोड़ो तुम अपने न परिवार से प्यार करते हो न सीरियस हो अपनी बेटी के शादी के प्लानिंग के लिए, तुमसे ना होगा। अब ये उसके दिल पे लग गया। बोले सर लेकिन 108000। बोले तुम क्यों गिनते हो, तुम्हें तो सोचना है कि जो पहले दो ग्राहक आएंगे वो तुम्हारे परिवार के भविष्य के लिए हैं और उसके बाद जो ग्राहक आएंगे वो तुम्हारे लिए है। क्या तुम दो लोगों के बाल नहीं काट सकते अपने परिवार के लिए। वहां पर दोस्तों बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीट हो गई और आप सोचिए बाल काटने वाले ने 108000 रुपए प्रीमियम दिया कैसे, हर रोज एक कस्टमर उसके परिवार के लिए।
उस तरह जिसको जिससे आप न्यूज़पेपर लेते हो, जिससे आप दवाइयां लेते हो, जिससे आप करियाना लेते हो, जिससे आप दूध लेते हो, इसका मतलब जो आपकी जेब से पैसा निकालता है आपको उसकी जेब से पैसा निकालना है, फोकस करना है। हर बार सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वे से प्रोस्पेक्टिंग करके, और आपने जिसके बाल जो आपके बाल काटता है, जिससे आपने प्रीमियम लिया, न्यूज़पेपर वाले से प्रीमियम लिया, करियाने वाले से प्रीमियम लिया, इन्वेस्टमेंट करवाया दूध वाले से, तो क्या उनके रेफरेंस नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। तो इस प्रकार हमारे एक एडवाइजर ने यह स्टोरी सुनी, एक वीक के बाद फोन किया, बोले सर मैंने भी 1,00,000 का प्रीमियम उठाया। दूसरे एडवाइजर ने फोन किया, बोले सर 2 भाई थे, मैंने 3,00,000 का प्रीमियम लिया है। सो दोस्तों, आपको एक काम करना है, आप जिससे बाल कटवाते हैं उसका नाम क्या है कमेंट में अवश्य लिखिएगा, उससे आप कितना प्रीमियम लेना चाहते हैं कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह स्टोरी आपको पसंद आई तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। आपकी इनकम बढ़ती रहे, आपकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हमेशा के लिए बरकरार रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।